तो हेलो भाई लोग, आज इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि मेरे पास क्या क्या मछली अभी भी बचा है। मतलब बचा है मतलब 6 महीने से आप लोग देखे थे एक टैंक था, 6 महीने से उसके अंदर बहुत सारे मछलियाँ थी। वो मछलियाँ मैं ये जो गमला है इसमें लेके रखा हूँ। तो अभी जो मैं मॉग में जो मैं पानी लिया उसके अंदर मैं ये मछली उठा के आपको दिखाता हूँ कि कौन सा मछली मुझे मिला है। और वो टैंक का क्लीन करने का भी वीडियो मैं ला दूंगा 1-2 दिन में। तो अगर वो देखना चाहते हो, आप भी टैंक क्लीन करना चाहते हो, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। तो जैसे कि देख रहे हो, पहले मेरे पास ये मॉली आ गया है, मतलब 2 ब्लैक मॉली मिला है बड़े साइज का। मतलब वो मॉली भी वो ब्रीडिंग कर रहा था, बच्चा देगा इसके अंदर फ्राई निकलेगा। तो ये 1-2 हफ्ते में अगर ब्रीडिंग हो पाया तो मॉली फिश का ब्रीडिंग भी मैं ला दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये देखिए पूरा ब्लैक के ऊपर वाइट स्पॉट है। तो जब मैं छोड़ के गया तो शायद ये मॉली शायद छोटा बच्चा था, लेकिन अभी के टाइम पे ये बहुत बड़े साइज का हो गया है। और एक है ऑरेंज जेब्रा है, जूम किया मैं देख पा रहे हो आप लोग, तो ये बहुत मतलब छटपट कर रहा है। तो ऐसे ही होता है, जेब्रा फिश बहुत ऐसे ही करता है, जेब्रा डैनियस जिसे बोलता है। तो ये मैं फ़िलहाल तो ये मॉक के अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि 2-4 मछली और है पानी के अंदर, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो बस ये वीडियो छोटा सा एक वीडियो होगा, बस अपडेट है कि कौन सा मछली इसके अंदर है। और थोड़ा गप्पी है, देख पा रहे हो आप, 3-4 टाइप का गप्पी है इसके अंदर, तो वो भी मैं दिखा दूंगा, फुल डिटेल्स में दिखा दूंगा। पहले तो ये रेड मॉली जो है, ये मॉली ज़्यादा उम्र का नहीं है, मतलब 1 महीने से 1.5 महीने तक एज होगा इनका। तो ये मॉली भी मतलब किसी ब्रूडर से ही निकला है, लेकिन वो ब्रूडर मुझे नहीं मिला इस टैंक पे, शायद मर गया है या कुछ हो गया है, पता नहीं। लेकिन ये 2 रेड मॉली तो मुझे मिला इसके अंदर, वो भी आप देख पा रहे हो। तो ज़्यादा मछली नहीं है टैंक के अंदर, सिर्फ ये 2 रेड मॉली है, रेड मॉली। और इसके पहले जो देखे आप लोग वो ब्लैक मॉली है, 2 ब्रूडर साइज स्पॉटेड। और गप्पी है 12-13 पीस, छोटा छोटा गप्पी है, मतलब हर उम्र का है, मतलब 10 दिन का भी गप्पी है इसके अंदर, 1 महीने का भी है, 2 महीने का भी है। और ये जो टैंक है इसके अंदर उतना नहीं है, तो मैं पकड़ के दिखा देता हूँ एक बार, लेकिन बहुत छटपट रहा है, अगर साइड में गिर गया तो फिश मेरा गया, इसीलिए मैं ज़्यादा रिक्स नहीं ले रहा हूँ। तो अब शायद आप लोग क्लियर से देख पा रहे हो, 2 रेड मॉली है, 2 ब्लैक मॉली है, 1 ऑरेंज जेब्रा है, मतलब जेब्रा डैनियस जिसे बोलता है। और गप्पी है वो 3-4 टाइप का गप्पी है, मिक्स गप्पी बोल सकते हो आप, मेल फीमेल दोनों ही है। बस यहाँ पे 12-15 पीस मछली होगा, और वो टैंक के अंदर अभी भी मतलब 7-8 पीस गप्पी होगा। तो वो गप्पी मैं नहीं उठाया क्योंकि पानी चेंज कर दिया। तो जल्दी वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए, कैसे आप पानी चेंज कर सकते हो टैंक का, पानी क्लीन करोगे इतने दिनों बाद कैसे पानी चेंज कर सकते हो, मछली को अच्छा रख सकते हो। तो ये सब लेके और गप्पी फिश और मॉली फिश और भी बहुत वीडियो आने वाला है भाई लोग। तो सब वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए तो मैं मछली इस टैंक पे छोड़ देता हूँ, टैंक नहीं है ये, एक बर्तन है, मतलब गमला जिसे बोलता है। तो इसके अंदर मैं अभी के लिए रख रहा हूँ। और जो टैंक आप लोग देखे थे पहले, वो टैंक पर नया वाला पानी ऐड किया, तो वो पानी थोड़ा 1 दिन रखेंगे, क्योंकि ये मछली को और नए पानी में देने से पहले ये ज़रूरी है। ये सब आप लोग को समझ में आ जाएगा, मतलब मैं डिटेल्स में बता दूंगा, जो टैंक क्लीन करने वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। बस ये वीडियो में सिर्फ आपको ये सारे मछली ही दिखाना था कि हाँ, मतलब बिना खाना के, बिना मतलब कुछ पानी चेंज किए भी ये मछली रह रहा था, मतलब ज़िंदा है इतने दिनों तक। अब साइड में तो टैंक देखे, इसमें पानी डालना है, तो नया वाला पानी ऐड करेंगे और नया वाला बहुत सारे वीडियो आने वाला है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।